नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपके होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वर टूथ एंड मस्कियम नेशंस। हेल्थ एंड फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे ब्रेन एंड बोन के लिए। आप वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो आपकी शक्ति है अपने गोल में आप इम्प्लीमेंट किए। रामनवमी और चैत्र नवरात्रि जो हिंदू फेस्टिवल अभी चल रही है, लोग घर और मंदिरों में पूजन करते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक करते हैं। रमदान विल कंटिन्यू फॉर वन मंथ। रमदान के महीने हमारे और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। हैप्पी मंथ ऑफ रमदान टू ऑल आवर व्यूअर्स हु कीप फास्ट फॉर होली मंथ, फॉर ऑल दिस मंथ। आप सभी का फोन कॉल और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Let's take a short break and hear some words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Kraft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pyle Business Center at 201-8166 128 Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated two halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services, they offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you, sponsors, for your support. Ab hamare saath pure hafte bhar Fiji news lekar aa gaye hai Vic Prasad ji. Namaskar. फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूँ विक प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन वर्तमान में नॉन फंक्शनल है। 8 मार्च को संसद में वोरंगे बनिमरामा के इस्तीफा के बाद विपक्ष के नेता की खाली सीट के कारण प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। रंबुका कहते हैं कि वे अनशुआ है कि विपक्ष के नेता के लिए नॉमिनी कौन है और विपक्ष के नेता को भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन का सदस्य होना चाहिए। उनका कहना है कि इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन कार्य नहीं कर सकता है और या वकीलों पर निर्भर है कि वे इसके बारे में कैसे काम करें या विपक्ष द्वारा सबसेंसिटिव रिप्लेसमेंट की घोषणा करने तक प्रतीक्षा करें। बोर्ड अपॉइंटमेंट्स और सीनियर पब्लिक सर्विस पोजीशंस के लिए लगभग 2000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका का कहना है कि सिविल सर्वेंट्स अब इन पदों पर अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं और उनके लिए स्वतंत्र है। रंबुका के मुताबिक इसमें पर्मनेंट सेक्रेटरी और डिप्लोमेटिक पोजीशंस भी शामिल है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन पदों के लिए एप्लीकेशंस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का पालन करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू किया जाएगा। चिंतित फिजी वासियों ने CWM अस्पताल में बिस्तरों की कमी के मुद्दे पर बात उठाया है, क्योंकि कुछों ने कहा है कि ये समय समय पर बिस्तर खाली होने की प्रतीक्षा करते हुए बेंचों और कुर्सियों पर सो जाते हैं। CWM हॉस्पिटल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर लुके नसेंड्रा का कहना है कि वे कुछ रोगियों को सब डिविजनल हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे घर के करीब हो रह सके और कुछ बिस्तर भी खाली हो सके। डॉक्टर नसेंड्रा कहते हैं कि एक बेड मैनेजमेंट सिस्टम है जो यह सुनिश्चित करती है कि वे CWM हॉस्पिटल में सभी उपलब्ध बिस्तरों का उपयोग करें। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट का कहना है कि ये कुछ उपाय हैं जो वे अब कर रहे हैं, क्योंकि वे तमावुआ में टोमी हॉस्पिटल जैसी अन्य सुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल को जापान सरकार से $250,000 का मेडिकल ट्रांसपोर्टर मिला है।
कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चों को पता लगाने में मदद करने के लिए उनके स्क्रीनिंग प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके, जबकि वे एक इको मशीन की सुरक्षित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर डॉक्टर कृपाली टप्पू का कहना है कि व्हीकल उनके प्रयासों को बढ़ावा देगा क्योंकि यह एक स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल ट्रांसपोर्टर है जिसे एम्बुलेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर टप्पू का कहना है कि वे अपने रूरल आउटरीच प्रोग्राम के लिए भी इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। वो कहती है कि वितिलेवु और वनुअलेवु के स्क्रीनिंग कार्यक्रम कर रहे हैं और व्हीकल मुख्य रूप से इंटरनल यूज के लिए होगा, हालांकि अगर कोई आपत्ति स्थिति आती है तो वे इसको एम्बुलेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। साई प्रेमा फाउंडेशन के प्रयासों के विभिन्न जातीय और धार्मिक बैकग्राउंड्स के फिजियन समुदाय के लिए मुफ्त इलाज के साथ साथ स्पेशलाइज्ड हार्ट सर्जरी भी प्राप्त करने का अवसर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल सेंटर को फिजी के ग्रामीण और दूर के स्थानों में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल इक्विपमेंट और मोबिलिटी एड्स की आवश्यकता होती है। जापान ने यह फंडिंग प्रदान करने का निर्णय इसलिए किया है क्योंकि वे फिजी में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे न केवल ग्रामीण समुदाय को बल्कि सालाना लगभग 2000 बच्चों को भी लाभ होगा जो हार्ट स्कैन और स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक तक पहुंचने में समर्थ रहेंगे। सीआईडी अधिकारियों ने पिछले मंगलवार को दो अलग अलग जगहों पर फोमा अटॉर्नी जनरल अय्याज सैयद कयूम और फोमा सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम से पूछताछ की। सीआईडी अधिकारियों ने वालेलेवु पुलिस स्टेशन में सैयद कयूम से मंगलवार सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पूछताछ की है। सनीम दोपहर करीब 2 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर्स टूरक पहुंचे थे। उनसे पहले महीने एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस अना मताई दीवा द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिंग ACP सकियो रैकादी का कहना है कि यह ऑफिस अब्यूज और जाली दस्तावेजों के उपयोग के विभिन्न आरोपों से संबंधित है। फिजियन इलेक्शंस ने अय्याज सैयद कयूम और सनीम के खिलाफ पुलिस में रिश्वतखोरी, भ्रष्ट लाभ प्राप्त करने और कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप का शिकायत दर्ज किया है। एक बयान में FEO ने कहा है कि सनीम के कॉन्ट्रैक्ट में वेतन वृद्धि शामिल है जिसमें पिछले 1.5 साल से पहले की तारीख शामिल है। सरकार बैकपे पर भुगतान करने के लिए सहमत है। चुनाव तैयारी का पेमेंट और चुनाव के बाद का बोनस और चुनाव के पहले 3 महीने के लिए फिजियन इलेक्शंस ऑफिस द्वारा पेमेंट की गई सनीम के परिवार को विदेश में ट्रेवल और अकोमोडेशन से जुड़ी है। FEO ने कहा है कि बेनिफिट्स के माध्यम से सनीम को दिए गए इन लाभों का भुगतान उन्हें 2022 के आम चुनाव के प्राचीन अवधि के दौरान किया गया था। आप देख रहे फिजियन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। समा तक मेट्रो वैंकूवर ट्रांजिट की सवारी के लिए कंज्यूमर्स को अधिक किराया देने की उम्मीद की जा रही है। अगले सप्ताह बोर्ड मीटिंग के मंजूरी मिलने के बाद में ट्रांसलिंक भाड़े में बढ़ोतरी करेगा। जब ट्रांसलिंक ने अपनी 2022 इन्वेस्टमेंट प्लान को एक साथ रखा तो 2.3% वृद्धि की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की गई और यह आगे बढ़ने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा है। ट्रांसलिंक ने एक बयान में जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि नियोजित वृद्धि इन्फ्लेशन की दर से काफ़ी कम है। बढ़ोतरी को प्रति ट्रिप अतिरिक्त 5 या 10 सेंट्स के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में सरी में हुई घातक गोलीबारी का शिकार व्यक्ति का पहचान कर लिया गया है। गुरुवार को जांच के लिए एक अपडेट प्रदान करते हुए आहिट का कहना है कि 38 वर्षीय सरी के एरन अलेक्जेंडर स्मिथ 13 मार्च को ग्रैंडव्यू हाइट सरी में एक खड़ी कार में मृत पाया गया था। सरी RCMP का कहना है कि 167A स्ट्रीट और 168 स्ट्रीट और 22nd Avenue के पास रात 8 बजे से ठीक पहले गोली चलने की सूचना मिलने के बाद ऑफिसर्स को बुलाया गया था। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने एक पार्क्ड कार में एक व्यक्ति को मृत पाया जो बंदूक की गोली के घाव से पीड़ित था। आहिट का कहना है कि स्मिथ को लोअर मेनलैंड गिरोह के चल रहे गैंग कॉन्फ्लिक्ट से कोई संबंध नहीं है और वह उनके परिवार हाल ही में सरी मूव हुए हैं। आहिट हत्या के बारे में किसी को भी जानकारी देने का आग्रह कर रहा है जिसमें एरिया से CCTV और डैश कैम फुटेज शामिल है। आहिट सूचना लाइन 1877-551 आहिट पर संपर्क कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग आप कुछ खेल कूद के जगत से जानकारी। हांगकांग सेवंस स्केड्यूल है मार्च 31 से अप्रैल 2 तक। पूल ए में फिजी, सामुआ, अर्जेंटीना और कनाडा को रखा गया है। पूल बी में ग्रेट ब्रिटेन, यूरुग्वे, फ्रांस और हांगकांग को रखा गया है। पूल सी में यूएसए, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान को रखा गया है। पूल डी में न्यूजीलैंड, कीनिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका को रखा गया है। फिजी का पहला मैच शुक्रवार को 12:28 AM होने को है और फिजी का दूसरा मैच कनाडा के खिलाफ में शनिवार को 8:50 या फ्राइडे 8:52 PM होने को है और तीसरा मैच अर्जेंटीना के साथ में शनिवार को 1:37 AM को होगा। ये वैनकुवर समय अनुसार है। अगर स्टैंडिंग्स की ओर देखते हैं तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर 120 पॉइंट्स को लेकर है। अर्जेंटीना के पास दूसरे स्थान पर 108 पॉइंट्स है। फ्रांस के पास 95 पॉइंट्स है। फिजी के पास 94 पॉइंट्स है और वो चौथे स्थान पर है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। रामनवमी की शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद वीर प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज है और आप न्यूज को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए। हमारे स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं। वी हैव मिस्टर मिसेस सिंह फ्रॉम फिजी कनाडा सीनियर्स काउंसिल, निर्मला एंड अजयन जी, हु आर हियर टू टॉक अबाउट लेगेसी ऑफ लेट मिस्टर के एस नायकर, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट एज ऑफ 95। हैव अ लुक। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बोला फिजी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी है फिजियन कम्युनिटी में एक ऐसा इंसान था मिस्टर के एस नायकर, उसका देहांत हो गया। ही वॉज ऑलमोस्ट 95 years old और उन्होंने बहुत सेवा किया, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा था जब से वो फिजी से आया, और फिजी में भी जब था वो बहुत सभी को, ही गॉट द हाइस्ट अवार्ड बाय द क्वीन Elizabeth II, she is no longer here, but he got that from the Queen. उसके बाद में जब वो वहाँ पर यहाँ वैनकूवर में आया तो बहुत संस्था के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उन्होंने काम किया। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं, चले जाते हैं, और हम उनके साथ में जो हमारा लेगेसी, उनका लेगेसी है, अगर हम ना बात करें तो वो भी लेगेसी भी उन्हीं के साथ में चला जाता। तो इसी बातचीत करने के लिए हमने दो ऐसे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र सिंह। निर्मला सिंह, शी इज़ अ ट्रस्टी फॉर फिजी कनाडा सीनियर्स काउंसिल, एंड मिस्टर राजेंद्र सिंह इज आल्सो अ सीनियर एंड विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे आर बोथ बीन इन्वॉल्व विद द फिजी कनाडा सीनियर्स फॉर लास्ट 20-25 years। Because I remember जब आपका वो था डगलस में फिजी कनाडा एसोसिएशन, एंड आई रिमेंबर द टेबल, मेरे दिमाग में जब, मैं तो हमेशा नहीं जाती थी, अपनी मम्मी के लोग कभी कभी लेकर जाती, लेकिन आई रिमेंबर द टेबल ही हैज टू सिट देयर, या एवरीबॉडी हैड देयर ओन टेबल एंड ओन चेयर एंड ऑल दैट, या या so sad that he is not here anymore। जैसे मैंने कहा अपनी यादें छोड़ गए ना, हमने उन्हें एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल में जाकर देखा था, और जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, कि बहुत वीक हो गए थे और इन्होंने कुछ फीट करने की कोशिश की बट बोलता नहीं। हम तो कोशिश करते थे कि हमने कहा हम गिरमिट डे मनाना चाहते हैं, गिरमिटिया डे, तो हमने कहा ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं अभी हैं, कितने तो चले गए कितने हैं, तो जो मेरा फ्रेंड है जो ऑर्गेनाइज कर रहा गिरमिट के लिए, तो कहता है कि बॉबी के डैड, मे बी वी शुड गो एंड टॉक टू हिम। सोचते सोचते बेचारा अस्पताल में चला गया, 2 महीने अस्पताल में था, हमने तो कुछ किया नहीं, वो दुनिया से छोड़ कर चला गया, और उसका मेमोरी वॉज वेरी शार्प। या वो था तो इतना एज का, लेकिन वो सभी उसको याद था। अगर उस शुरू से अगर आप कहो कि ही कैन राइट अ बुक, या फ्रॉम द बिगिनिंग, जब पीजी में था, जब वहां से स्काउट में क्या किया, फिर वहां से यहाँ पर आया, अबाउट 40-50 years से तो यहाँ पर था ना, एंड देन ही विल राइट अ बुक एंड ही विल टॉक सो एलिक्वेंटली क्या क्या उन्होंने किया। तो ऐसा तो हम भी हैं,
But we don't remember everything. No. Our memory is not that sharp. This age. Yeah, at this age our memory is going. एक बात मैं और बता दूँ, बीमार था, तबीयत नहीं ठीक, बॉबी के घर पर रहता था, लेकिन ऐसा वीक नहीं जाता था कि वो मुझे फोन नहीं करता था. यस, फोन पे बात कर लेते थे, मिलते नहीं थे उतना, लेकिन फोन पे हमारा 5-10 मिनट का बात हर हफ्ते होती थी. एंड हिज आल्सो लास्ट विश वाज कि कोविड में हम थोड़ा पिछड़ गए ना, तो एक बार बॉबी का वो जो है पॉइंट रॉबर्ट में है ना, वहाँ हम जाते थे बिमला के साथ, तो बोलता बोलने लगा कि एक दिन हम तीनों चलेंगे वहाँ एक बार फिर ना. तो बॉबी से बतलाया, बॉबी ने बोला क्यों नहीं, जरूर जाना, लेकिन ही गॉट सिक, हमारा साथ छोड़ दिया, हम जा नहीं पाए. और इतना मैं कहना चाहती हूँ कि उनके जो परिवार है, बॉबी बेरो और उनकी सिस्टर और ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत अच्छा से उनका देखभाल किया. उसकी वाइफ भी, वाइफ भी बेरो, हाँ. तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको सदगति प्राप्त दे, जहाँ भी हो अच्छी से अच्छी जगह दे. और हर एक बेटे हो, बहू हो, कोई भी हो, अपने माँ बाप को इसी तरह सेवा करे. बहुत सेवा किया उन्होंने, बहुत अच्छा से किया. और सारे परिवार, जितने भी विमला की फैमिली भी है, जो चौबे साइड की फैमिली है, सभी ने बहुत अच्छा से काम किया. उसके लास्ट मिनट तक काम, जो कल भी हुआ, आप थी वहाँ ना, या मैं थी, बहुत भारी क्राउड था. पूजा बहुत अच्छा से हुआ, भोजन पानी सभी बहुत. घर में 2-3 दिन, घर में 2-3 दिन हम गए थे वहाँ, बहुत अच्छा से उन्होंने किया भजन वगैरह, खाना पानी, सभी को देखभाल, एक को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जो भी गया उनके द्वार पे. बहुत अच्छा से सेवा सत्कार हुआ. यू नो, यही तो है. अगर देखो, जो लोग हमारे बीच में हैं, कभी कभी हम ऐसा रहते हैं, उनको याद नहीं करते, उनको देते नहीं है जो महा उनको देना चाहिए हमें, स्पेशली जो हमारे सीनियर्स है. जब वो चले जाते हैं तो उसके बारे में देखो हम यहाँ बैठ कर बात करते हैं, लेकिन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि जो जिंदा है उनको यहाँ पर बैठाओ, उनके बारे में बात करो, क्या किया, क्या छोड़ कर गया. जब भी मैं फ्यूनरल में भी गई थी, 2 घंटे का वो था जहाँ पर सभी लोगों ने जाकर उसके बारे में बात किया कि क्या किया, व्हाट डू दे रिमेम्बर. इट इज सो इम्पोर्टेंट. ऐसा फ्यूनरल तो मैंने नहीं अटेंड किया. मोस्ट ऑफ द फ्यूनरल आई गो पंडित इज टॉकिंग, फिर वो कर लो, फिर यू नो ओपन कर दो, कैस कई देख कर चले जाओ. बट दिस फ्यूनरल लास्ट वन जो मैं गई थी, इट्स गोना स्टे विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम. एक एक लोगों ने वहाँ पर जाकर, अभी सभी सीनियर्स हो गए, धीरे धीरे जाकर कितना अच्छा से उसके बारे में बात किया. सो दैट्स व्हाट वी शुड ऑल रिकॉर्ड थिंग्स लाइक दिस, कि कभी हमारे कोई म्यूजियम हो, कुछ हो, हमारा कुछ बने फिजी वालों के लिए, जो कितना काम करके इतना छोड़ कर गए हैं ना. या तो निर्मला जी, आप उसके साथ में ट्रस्टी भी थी फिजी कनाडा एसोसिएशन. और उसकी जो फैमिली भी थी, इज नॉट जस्ट मिस्टर नायकर, बॉबी नायकर एंड ऑल द, जब भी सीनियर का डिनर होता था, पार्टी होता था, दे डोनेट सो मच फूड एंड एवरीथिंग टू, यू नो द, इट वाज द होल टीम, द फैमिली वाज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट. कि जहाँ पर मम्मी डैडी उनको जाते थे तो ये भी डोनेट करते थे, ये भी आते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे सभी के साथ में ना. जैसे हमारे सीनियर्स में एवरी बाई वीकली गैदरिंग होती थी ना, तो हम 5 ग्रुप मेंबर्स है, तो एक टीम लीडर है, उसमें से मैं एक भी हूँ. तो एक एक टेन पे सभी लोग स्नैक्स लाते थे. और हमारी जो सीनियर्स है, दे लुक फॉरवर्ड टू कम इनटू द गैदरिंग. अभी इतने दिन से बंद है हमारे हॉल, बन रही है, इतना फोन कॉल हमारे पास आते हैं, कब खुलेगा, क्या होता है, क्या हो रहा है. इसीलिए हम जोर तोर से अपने बिल्डिंग बना रहे हैं एक बार फिर. और होपफुली इट विल बी डन एंड इट विल बी ओपन सून, सो सीनियर्स कैन कम. एंड देन वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर वी यूज्ड टू गो फॉर पिकनिक. अभी पिकनिक भी हमारा बुक हो गया है, और सीनियर्स लोग दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अगर बिल्डिंग नहीं बना तो हम ग्राउंड में मिलेंगे. इतने मिलजुल कर रहते हैं. अभी 1-2 महीने के बीच में हमारे
5 आई थिंक सीनियर्स हमसे बिछड़ गए, पास्ट हो गए, हाँ, वन बाय वन. सो इट इज़ वेरी सैड टू सी देम गो लाइक दैट. लेकिन हमारा यही है, इरादा है कि हम अपने सीनियर्स को एक जगह बटोर कर सब मिले फैमिली जैसा. एंड दे ऑलवेज से दिस इज़ आवर सेकंड होम, दिस इज़ आवर फैमिली हियर. ऑल्दो दे लीव देयर फैमिलीज एट होम, बट हम सब जब वहाँ मिलते हैं एक दूसरे से परिवार जैसा, अपना घर में दूसरे घर में आते हैं. तो इतनी खुशी की बात है आज हमारे फिजी कनाडा एसोसिएशन के पास एक हॉल है जिसमें हम सब मिल सकते हैं. और जो मेंबर्स नहीं है प्लीज बन जाओ, सीनियर्स में बनो, एनीबॉडी कैन कम एंड जॉइन, एनीबॉडी ओवर द एज ऑफ 55 यस यू कैन बिकम अ मेंबर एंड कम एंड जॉइन. इवन अंडा भी बन सकते हैं, बट But there are a lot of people over 55 के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग हैं. अगर सभी बन जाए जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, so there will be no place to accommodate. But regardless, आज हम मिस्टर नायकर के बारे में बात कर रहे हैं. थैंक यू बोथ ऑफ यू, रजन भाई, निर्मला. थैंक यू कमिला, यू डूइंग अ फाइन जॉब. यस, कांग्रेचुलेशंस टू यू. And we are very proud of you. You know. And I want you, what you said now, I want you to come and sit on the chair more times. Don't expect me to invite you. On his birthday? Okay, sure. Send the birthday. Is it coming up soon, right? September. Okay, ठीक है. September. जरूर लेकर. हाँ, कुछ भी होगा कभी भी. आप बताना. याद करना. Yeah. और आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों को. हमारा जो भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपना टाइम देकर मुझे. आज टाइम नहीं था मेरा, लेकिन आपने टाइम निकाला. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस सिंह. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है, लीजिए देखिए. प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक सम नोट्स. Asian Pearls TV Shakti Society, One Voice Canada and Justice Mustang are observing March 21st International Day for Elimination of All Forms of Racial Discrimination on Tuesday from 5 until 7:30 p.m. This is a free event that you are invited to attend. For more information, please call 604-537-5123. We are also looking for kidney transplant recipients from the Fijian community who had kidney transplants and would like to be Kidney Foundation Ambassador. Please call us at 604-537-5123. We will forward your name and number to the foundation. Kidney donation. We are in dire need for a kidney donation for a very close friend of a Fijian focus. She is a 75-year-old young female who spent all her life working in the healthcare at VGH. She has kidney failure. If you can donate just one kidney, we all have two kidneys, please consider organ donation. Organ donation saves lives. If you're interested, please call at 604-537-5123. Ab hum kuch highlights dikha rahe hai Ma Durga ki puja. Have a look. मन च जगाई तेरे नाम
हमारे पास इतना ही समय था, अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप फिजी इन फोकस से जुड़े रहे। इस शो को आप देख सकते हैं एवरी थर्सडेज एट 2:30 PM एंड ऑन संडेज एट 4 PM वैंकूवर टाइम और चैनल 4 एंड इन कैलगरी एट 5 PM और चैनल 10। आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजियन फोकस को देख सकते हैं। प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। एशियन पर्ल्स टीवी 3 और शो भी दिखाते हैं ऑन एवरी वेंसडेज एट 2:30 PM थर्सडेज एट 8:30 PM एंड सैटरडेज एट 5:30 PM कमीला सिंह टॉक शो ऑन एवरी मंडे एट 10 AM एंड संडेज एट 5:30 PM विथी वाइब्स TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows, like and share. Ab hamari mulaqat hogi next week Tuesday ko 10 p.m. only on Shah. Hum aap sabhi ko shukriya ada karte hain for spending time with us with Fiji in Focus. I am your host Sarah Sharma. Vinaka.